अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान ना सदा हंसते ही रहते हैं और आप लोग सदा रोते ही रहते हैं, इसलिए आप इंसान हैं और वो भगवान है। जो हंसे वो भगवान, जो रोए वो इंसान। आप लोग सदा रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। कुछ भी मिला रोना है, रोना है, रोना है। आदमी हंसना चाहता ही नहीं है। जितना तुम्हारे पास है उतना ही बहुत है प्रसन्न रहने के लिए। एक आदमी का 10 लाख रुपए का फायदा हो गया, हमने कहा क्यों भाई अब तो प्रसन्न हो, 10 लाख रुपए महीने में मिले। अरे महाराज जी कैसे प्रसन्न रहे, हमारे पड़ोसी को तो 15 लाख का फायदा हो गया। वो अपना फायदा देख के खुश नहीं है, पड़ोसी के फायदे को देखकर दुखी है। इसलिए हमें सदा हर हाल में मैया जी क्या रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहो, हर हाल में खुश रहा करो। पति अच्छा है तो भी खुश, और बुरा है तो अब क्या कर लोगे। अब बुरा है तो आप अच्छा कर सको तो कर लो, नहीं जैसा है अब वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। अब उसी के संग खुश रहना सीख लो। अब दुखी रहने से भी क्या होगा, सारी जिंदगी तुम्हारी रोते रोते चली गई, अब जरा मुस्कुरा लो, हंस लो। देखो जिंदगी में ना समझौता करना सीख लेना चाहिए। एक मैया बोली, महाराज जी हमारे पति, अब हम अपने पति से तलाक लेना चाहते हैं। वो मैया ये बात कब बोल रही थी, जब वो 60 साल की हो गई। 60 साल की मैया बोली, महाराज हम अपने पति से तलाक लेना चाहते। जब उनके नाती पोते बड़े बड़े हो गए थे, शादी हो गई नाती, तब कह रही है बुढ़ापे में हम पति से तलाक लेना चाहते। हमने कहा मैया क्यों, अरे बुढ़े से कोई सुख नहीं मिला, जीवन भर परेशान किया, रुलाया, सिर्फ दर्द दिया, सारी जिंदगी इसके संग बुढ़े के संग रोते रोते गुजर गई, कोई सुख नहीं दिया इस आदमी ने। हमने कहा मैया कोई सुख नहीं दिया इस आदमी ने, तो अब 60 साल में तुम तलाक लेके क्या सुख लेने जाओगी, कौन सा सुख चाहिए अब तुम्हें 60 साल बुढ़ापे में। अब जितने सुख मिलने थे सो मिल गए, अब सारी हाथी निकल गया है, पूंछ बची है, सारी जिंदगी निकाल दी, थोड़ी सी और निकाल लो, बुढ़ापे में काहे माथे में कलंक लगाती हो। जीवन में समझौता कर लो, तुम्हारा पति दुष्ट है, यदि तुम्हारा पति कांटा है तो बबूल के संग, हमारे घर के अगल बगल में बबूल लगा है माना कि, तो अब हम क्या करें कि बबूल के कांटों के संग रहना ही सीख लें। हमारे घर के बगल में यदि गुलाब लगा होता तो हम गुलाब के संग रहना सीखते। तुम्हारा पति जैसा है, तुम्हारी पत्नी जैसी है, तुम्हारा बेटा जैसा है, तुम्हारा जीवन जैसा है, उस जीवन में अब पॉजिटिव रहना सीख लो। मंदोदरी रावण के संग जीना सीख गई कि नहीं, रावण कोई अच्छा था। अब सोचो आपका पति आपके सामने दूसरी औरत को उठा के ले आए और कहता है रावण सीता से, ए सीता तुम हमारी तरफ देख लो, हम तुम्हें मंदोदरी आदि, अब आगे मंदोदरी तुम्हारे पांव में तेल लगाएगी और तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी दासी बनेगी मंदोदरी। यदि तुम हमारी रानी बन जाओगी तो मंदोदरी तुम्हारी, हम मंदोदरी को दासी। अब सोचो मंदोदरी को कितना बुरा लगा होगा, ये सुंदर कांड में लिखा है। रावण कहता है ऐसी ता एक बार बिलोक मम ओरा, देख मंदोदरी आदि सब रानी, ये मंदोदरी आदि जो रानियां है ना, ये तेरे चरणों में सेवा करेंगी, तेरे कपड़े धुलेंगी, एक बार मेरी तरफ देख ले सीता। अब सोचो मंदोदरी भी बगल में खड़ी थी, सुन रही थी, अब सोचो मंदोदरी को कितना गुस्सा आ रहा होगा, मेरा पति कह रहा दासी बना दूंगा, आपका पति कहता हो ऐसा तो आप बगल में खड़ी हो, किसी महिला को देख के कहे तुम आओ हमारे पास, पर हमारी पत्नी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं, तो महारानी बनना या दासी बन जाएगी, आपको बुरा लगेगा। पर सोचो मंदोदरी जैसी स्त्रियां अपने रावण जैसे पति के संग रहकर भी वो आदि हो गई,
चलो अब जैसा है विधाता ने जैसा लिखा है वैसा मिल गया, अब ये जिंदगी काट लो, अब अच्छे कर्म करेंगे तो अगली बार भगवान कृपा करके सब बढ़िया करेंगे, अब ये जो जा रही है इसे जाने दो, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से।